दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीज़ डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन गुर्दे पर यानी किडनी पर बचाने के लिए क्या डाइट लें, क्या मेडिसिन लें और क्या अर्न करें जिससे डायबिटीज़ कंट्रोल के साथ साथ किडनी पर बचाव रहे और अगर किडनी बचाव आ भी गया तो फर्दर और न बढ़े। तो सबसे पहला काम आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करना है। डायबिटीज़ कंट्रोल कितना रखना आपको, आपको HbA1c 7 से 8 के बीच रखना है। अगर आप किडनी एडवांस हो तो आप 8 नीचे रख सकते हो। और डायबिटीज़ की हमारी दो दवा होती है जो डायबिटीज़ कंट्रोल करती है, किडनी बचाती है। उसमें सबसे पहला है SGLT2 इनहिबिटर, जो मार्केट में कई नाम से आता है, डापाग्लिफ्लोजन, कैनाग्लिफ्लोजन, एम्पाग्लिफ्लोजन। ये तीनों नाम से दवा आती है जो कि तीनों दवा होती है जो कि किडनी से ब्लड शुगर बाहर निकालती है, किडनी के अंदर प्रेशर कम करके किडनी को कॉम्प्लिकेशन बचाती है। पहला हो गया SGLT2 इनहिबिटर लेना आपको। दूसरा अगर जो लोग अफोर्ड कर सके एक दूसरी दवा आती है उसे बोलते हैं GLP रिसेप्टर एग्नेस्ट, सीमाग्लूटाइड, जो कि शुगर भी कंट्रोल करती है, किडनी कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करती है, थोड़ा मोटे लोग भूख कम के वेट भी कम करती है। तो दो दवा आती है, प्लस हमारे DPP-4 इनहिबिटर भी किडनी कॉम्प्लिकेशन कम करने में हेल्प करते हैं। तीन डायबिटीज दवा किडनी कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट में हेल्प करती हैं। फिर नंबर 2 दवा इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर को आपको कम रखना है। आपको हर हाल में ब्लड प्रेशर 140/90 से नीचे रखना है, बेहतर 130/80 से नीचे रखें। जितना BP कम रखें उतना किडनी के लिए फ़ायदा है। और इसके लिए आपको BP दो दवा आती है हमारी, एक होती है हमारी ACE इनहिबिटर या ARB रिसेप्टर ब्लॉकर, दो तरह ग्रुप की दवा आती है, जैसे आपने रेमिप्रिल, टेलमिसार्टन, ऑलमिसार्टन, इस तरह कई दवा आती है जो कि आप ले करके आप अपना किडनी बचा सकते हैं। अगर आपका BP नॉर्मल है तब भी आपको स्मॉल डोज ऑफ ब्लड प्रेशर दवा दी जाएगी जो कि किडनी के अंदर का प्रेशर कम करती है लेकिन बाहर का BP कम नहीं करेगी, बॉडी का ओवरऑल BP। अगर BP हाई है तो फिर और BP दवा दी जाएगी। चाहे कितनी BP दवा खाने हो, 140/90 नीचे जरूर लाना आपको। तो पहला शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, थर्ड कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कम की दवा भी किडनी बचाने में हेल्प करती है। आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो चाहे हाई हो, आप कोलेस्ट्रॉल कम की दवा लेनी है। वैसे गाइडलाइन कहती है कि 40 साल उम्र के बाद हर डायबिटीज वालों को कोलेस्ट्रॉल कम की दवा खानी चाहिए। अगर आपका किडनी पे कॉम्प्लिकेशन है या खानदान में पापा या किसी को किडनी का खतरा ज़्यादा है तो आप कोलेस्ट्रॉल की दवा जरूर लो। उससे आपको किडनी के आर्टरी को ब्लॉक करके ब्लड फ्लो कम में रोकने में हेल्प मिलेगा आपको। तो कोलेस्ट्रॉल की दवा भी लेनी चाहिए। ये तीन बात इसी हो गई। फोर्थ होता कि आपको कुछ अन्य ड्रग्स होती हैं, लाइक एक होते अल्फा कीटो एनालॉग्स। ये कुछ हमारी बॉडी में एसेंशियल अमीनो एसिड होती है, उसको ऐसा ऑल्टर कर दिया गया कि खाने से आपके ब्लड में यूरिया में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये अल्फा कीटो एनालॉग बड़ा महंगी एक दवा आती है, एक तरह ये फूड सप्लीमेंट है। इसमें अल्फा कीट नाम से आती है, नेफ्रोसेव कीटो नाम से आती है, अल्फा कीटो नाम कही आती है। ये बेसिकली अमीनो एसिड होती हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि बॉडी में ब्रेक डाउन होकर के इसमें यूरिया नहीं बढ़ता है। बट ये स्टडी में देखा, ये उन्हीं दिया देना चाहिए जिसको कि बहुत लो प्रोटीन डाइट लोग, कुछ लोग क्या होता है कि और आप 5-6 ग्राम प्रोटीन पर डे ले रहे हैं। देखा गया कि हाई प्रोटीन डाइट से किडनी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ता है जिससे किडनी डैमेज चांस बढ़ता है। तो लो प्रोटीन डाइट जो लेते 0.6 ग्राम पर किलो पर डे कीटो एनालॉग ली जाए तो देखा गया कि किडनी में डैमेज होने चांस घट जाता है। बट कई स्टडी की, लॉन्ग टर्म स्टडी की, उसमें अभी भी ये बहुत 100% प्रूव नहीं हुआ है कि इस अल्फा कीटो एनालॉग सप्लीमेंट से किडनी फ़ायदा होता है। कुछ स्टडी में बोला फ़ायदा दिखा, कुछ में नहीं दिखा। तो अधिकांश गाइडलाइन अल्फा कीटो एनालॉग प्रोटीन को अभी प्लस माइनस रखा उन्होंने। दो तो कोई दिक्कत नहीं, ना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एसेंशियल नहीं रखा उन्होंने। और एक चीज़ और जान लीजिए, अगर आप अल्फा कीटो एनालॉग एमिनो एसिड सप्लीमेंट ले रहे हैं तो महंगा होता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। प्लस ये उन्हीं फ़ायदा करें जो कि प्रोटीन काफ़ी रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। वैसे पर्पज़ क्या होता है, जब प्रोटीन बहुत रेस्ट्रिक्ट कर देते हो तो किडनी प्रोग्रेस थोड़ा स्लो हो जाता है, नुकसान स्लो हो जाता है, लेकिन उससे बॉडी वीकनेस होती है। अधिकांश जो गाइडलाइंस बोलती हैं इसके लिए, मेजॉरिटी ने बोला कि ये
इसको बहुत सपोर्ट नहीं करती हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जितने भी स्टडी में बहुत लो प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड डाइट अलॉन्ग विद कीटो एनरॉक देने से किसी किडनी में क्रिएटिनिन बहुत फॉल स्लो हो रहा है, ऐसा प्रूवन नहीं हुआ है। तो अगर आप अल्फा कीटो एनालॉग ले रहे तो महंगा होता है ये, पर कैप्सूल बड़े बड़े बहुत बड़े कैप्सूल होते हैं तो लोग बहुत ले नहीं पाते इसको, तो लेने को नुकसान नहीं है। कई डॉक्टर लिखते भी हैं, अभी इसमें थोड़ा ग्रे एरिया है, कुछ स्टडी बोलती फ़ायदा होता है, कुछ नहीं बोलता होता है। तो आप अगर आप अफोर्ड कर सकते लीजिए, लेकिन पूरा डोज लीजिए। इस तरह से गोली आती है हमारा क्या नाम की, ये एस्टाइल सिस्टीन करके गोली आती है जो मार्केट में नेफ्रोस के नाम से आती है, नेफ्रोविट के नाम से आती है, ल्यूपिना के नाम से आती है, कई नाम से आती है। ये इतना विटामिन होती है एंटीऑक्सीडेंट, ये कोई किडनी स्पेसिफिक दवा नहीं है, ये विटामिन होती है। देखा गया कि पहले कुछ स्टडी के साथ फायदा पाया गया, बट अब रिसेंट स्टडी में कोई विशेष बेनिफिट इसका मिला नहीं। तो अगर आपको किडनी बचाना है तो SGLT2 इनहिबिटर नंबर वन ड्रग हो गया, शुगर कंट्रोल रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ब्लड प्रेशर दवा जरूर लीजिए, कोलेस्ट्रॉल की दवा लीजिए, प्रोटीन डाइट कम लीजिए। और डाइट अदर क्या होगा आपको कि आपको नॉनवेज प्रोटीन बहुत अवॉइड करना है, क्योंकि नॉनवेज प्रोटीन क्या बॉडी के अंदर एसिडिक मीडियम कर देता है, एसिडिक मीडियम, उससे भी देखा गया एसिडिक मीडियम से भी किडनी प्रॉब्लम बढ़ता है, तो आपको नॉनवेज प्रोटीन अवॉइड करना है। वेज प्रोटीन ओके है, लेकिन प्रोटीन बहुत कम मत खाओ, बहुत कम प्रोटीन खाओ तो मसल वीक हो जाएंगी। आप प्रोटीन कौन से लोगे, आप बीन्स लो, दाल लो, थोड़ा पनीर भी ले सकते हो, एक या दो अंडा ले सकते हो, दाल लेना तो एक कटोरी सुबह एक कटोरी शाम ले सकते हो, आप पनीर बना तो आप एक टाइम 4 से 8 पीस लो, बहुत ज़्यादा मत लो, माने प्रोटीन लोड नहीं करना आपको, पर प्रोटीन मना भी नहीं करना है। बहुत प्रोटीन कम खाओगे तो बॉडी कमजोर हो जाएगी, मसल वीक हो जाएगी, चल नहीं पाओगे आप। तो अल्फा कीटो प्रोटीन जो अमीनो एसिड देखा बड़ा लोग सप्लीमेंट कर देते हैं, बट ये स्टडी बहुत प्रूवे नहीं है कि फ़ायदे करते ही है, महंगा बहुत है। अगर आप अफोर्ड नहीं करते घबराओ मत, अपना शुगर कंट्रोल रखो, बीपी 130-80 नीचे लाने की कोशिश करो, इसके बाद आप कोलेस्ट्रॉल कम की दवा खाओ और प्रोटीन कम, 3-4 मेन स्टेप्स हैं, इससे आप किडनी आपका बचा रहेगा। नमक ज़्यादा मत खाना, ठीक है। तो अगर आपको ब्लड में पोटेशियम बढ़े तो पोटेशियम रिच फूड अवॉइड करो, पानी सही मात्रा, जैसे डॉक्टर बोलता है पानी सही मात्रा लो, बहुत ज़्यादा लेने से कभी बॉडी स्वेलिंग हो जाती है, स्पेशली स्वेलिंग ज़्यादा हो तो पानी की मात्रा आपको अपनी कम करनी पड़ेगी डॉक्टर पूछ करके। तो आई होप इसे नॉलेज मिले कि किडनी कैसे इलाज करें, कैसे बचा कर रखें और क्या करें क्या ना करें।